हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर इन विच वन टाइप दैट इज क्लास ए चॉपर ओके लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो हमारे चॉपर्स हैं उनको हमने उनके वोल्टेज के डायरेक्शन और करेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली उनको फाइव टाइप्स में डिवाइड किया था क्लास ए बी सी डी एंड ई ओके सो टूडे वी डिस्कस फर्स्ट टाइप ऑफ चॉपर दैट इज क्लास ए चॉपर, ओके तो क्लास ए चॉपर क्या है जो हमने स्टेप डाउन चॉपर पढ़ा है ओके। स्टेप डाउन चॉपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्लास ए चॉपर जो है वो बेसिकली हमारा क्या है स्टेप डाउन चॉपर ही है ओके okay. हम क्या बोलेंगे क्लास ए चॉपर इज बेसिकली अ स्टेप डाउन चॉपर ओके बेसिकली या स्टेप डाउन चॉपर क्लास ए चॉपर क्या है हमारा बेसिकली स्टेप डाउन चॉपर ही है इन व्हिच पावर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम सोर्स टू लोड इन व्हिच पावर ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम सोर्स टू लोड ओके पावर क्या होता है हमेशा सोर्स से लोड की तरफ फ्लो होता है ए चॉपर जो है वो बेसिकली एक तरीके का स्टेप डाउन चॉपर ही है स्टेप डाउन चॉपर जब आपने पढ़ा था तब भी आपने देखा था कि पावर जो होता है वो हमेशा क्या होता है फ्लो होता है फ्रॉम सोर्स टू लोड तो स्टेप ए चॉपर जो है वो क्या है हमारा बेसिकली स्टेप डाउन चॉपर ही है ठीक है दिस टाइप ऑफ चॉपर दिस टाइप ऑफ चॉपर वर्क्स इन फर्स्ट ओके ये जो चौपर है वो हमारा किस क्वाड्रेंट में वर्क करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करता है इसलिए okay, इसलिए ओके हम इसको क्या बोलते हैं वन क्वाड्रेंट ऑपरेशन चॉपर बोलते हैं ओके okay, अब हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे है और ये किस तरीके से हमारा वर्क करता है ओके okay, तो क्या है हमारा ये यहाँ पे हमारा चॉपर है दैट इज फ्री व्हीलिंग डायोड इंडक्टर और ये यहाँ पे क्या है लोड ओके okay. ये लोड लगा हुआ है फ्री व्हीलिंग डायोड है ये इंडक्टर है और दैट इज चॉपर चॉपर को हम कुछ एक स्विच की तरह ही डिनोट करते हैं एक बॉक्स में और ये हमारा सप्लाई वोल्टेज वी एस ओके तो हमेशा हमारे दो ऑपरेशन होते हैं चॉपर के पहला क्या है सब फर्स्ट मोड व्हेन चॉपर इज ऑन मोड फर्स्ट क्या होगा व्हेन चॉपर इज ऑन अगर चॉपर हमारा ऑन होगा तो चॉपर ऑन होगा मतलब क्या होगा ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट फ्री व्हीलिंग डायोड यहां पर इंडक्टर और ये क्या है लोड ठीक है जब चॉपर ऑन होगा तो ये प्लस यहां आएगा माइनस यहां आएगा इसका मतलब क्या है ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है ये क्या हो जाएगा रिवर्स वाइज और ये क्या हो जाएगा ओपन ठीक है इंडक्टर क्या होगा हमारा अब ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा कुछ इस तरीके से ठीक है इंडक्टर क्या होगा हमारा चार्ज होना स्टार्ट होगा प्लस माइनस पोलेरिटी से ओके okay. इंडक्टर हमारा क्या होगा चार्ज होना स्टार्ट करेगा प्लस माइनस पोलरिटी से आई नॉट क्या होगा हमारा ये करंट जाएगा ठीक है नॉट बराबर क्या होगा वी नॉट बराबर वी एस okay, ओके बराबर क्या होगा हमारा वी एस इस टाइम पे ये हमारा ऐसे जा रहा है नॉट बराबर क्या होगा वी एस ये यहां से और ये जाएगा हमारा ठीक है वीएस या फिर सिर्फ हमारा कुछ कम होगा नॉट इज लेस देन और इक्वल टू वी एस अगर हम पाथ फॉलो करेंगे तो क्या होगा प्लस वी एस माइनस वी एल माइनस वी नॉट बराबर जीरो तो वी नॉट बराबर क्या होगा वी एस माइनस वी एल तो अगर वी एल जीरो होगा तो वी नॉट बराबर वी एस अदरवाइज क्या होगा वी नॉट बराबर वी एस माइनस वी एल मतलब कुछ हमारा क्या होगा कम होगा इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्टेप डाउन चॉपर ओके कि यहाँ पे जो वी नॉट है वो लेस देन या फिर बराबर मिलता है वी एस के ओके okay, तो फर्स्ट क्या हो गया जब चॉपर ऑन होगा उस टाइम पे फ्री व्हीलिंग डायोड जो है हमारा वो क्या हो जाएगा रिवर्स वाइस इंडक्टर क्या होगा हमारा चार्ज होना स्टार्ट होगा पोलरिटी प्लस और माइनस से ओके okay, तो इस टाइम पे आप देख रहे हैं वोल्टेज क्या है हमारा जब ऑन है यहाँ पे हमें वोल्टेज और करेंट की पोलरिटी बस देखना है ठीक है ताकि हम उसका क्वार पता सके किस क्वार में ऑपरेट हो रहा है तो यहां पे अभी नॉट क्या है पॉजिटिव ठीक है और नॉट जो है वो भी क्या है पॉजिटिव ठीक है सेकेंड मोड कौन सा आएगा जब चॉपर क्या होगा ऑफ होगा इज ऑफ मोड टू वेन चॉपर इज ऑफ जब चॉपर ऑफ होगा मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा ठीक है ये फ्री व्हीलिंग डायोड है ये इंडक्टर और ये हमारा लोड वी एस चॉपर इज ऑफ ये फ्री व्हीलिंग डायोड है इंडक्टर है प्लस माइनस वी नॉट और ये लोड है ठीक है जब चॉपर ऑफ होगा तो इंडक्टर जो है वो क्या होगा इंडक्टर गेट्स डिस्चार्ज इंडक्टर क्या होगा डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा और हमने आपको हुआ था, तो उसकी कैसे थी? ऐसे, plus, अब इंडक्टर डिस्चार्ज होगा तो वो अपनी पोलरिटी को रिवर्स कर देगा मतलब ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी क्यों क्योंकि ये इंडक्टर की खुद की प्रॉपर्टी है हर एक जो भी मटेरियल होता है कोई भी डिवाइस होती है उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है कुछ ना कुछ तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि जब वो डिस्चार्ज करता है तो वो अपनी पोलरिटी को रिवर्स कर देता है तो अब ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस ओके okay. ये माइनस और ये प्लस होने के कारण फ्री व्हीलिंग डायोड अब क्या हो गया हमारा फॉरवर्ड बाइस फॉरवर्ड वाइस हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा ये हमारा शॉर्ट सर्किट ओके okay. ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज इस टाइम पे क्या मिलेगा वी नॉट बराबर जीरो करंट हमारा अभी भी ऐसे ही फ्लो हो रहा है प्लस से माइनस करंट फ्लो होता है मतलब आई नॉट क्या है अभी भी हमारा पॉजिटिव ओके okay, तो आपने देखा कि जब ऑन था तो वी नॉट पॉजिटिव करंट पॉजिटिव जब ऑफ था तो वी नॉट जीरो करंट पॉजिटिव मतलब वोल्टेज भी पॉजिटिव मिल रहा है करंट भी पॉजिटिव मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि ये जो है हमारा वो किस क्वार में वर्क करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है ये वी नॉट और ये आई नॉट ये पॉजिटिव पॉजिटिव ठीक है तो ये इस क्वाड्रेंट में वर्क करेगा यहाँ पे वी नॉट भी पॉजिटिव आई नॉट भी पॉजिटिव तो क्लास ए चॉपर जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑपरेट करता है ओके अब हम वेवफॉर्म देख लेते हैं क्लास ए चॉपर की फॉर्म ऑफ क्लास ए चौपर ठीक है ओके okay, तो सपोज ये हमारा क्या है आईजी गेट करंट ओके एस हमने लगाया हुआ है जो हमने चॉपर यूज़ किया है उसमें जो हमने स्विच यूज किया है वो क्या हमारा एस तो एस हमारा कब ऑन होता है जब हम उसको गेट पल्स प्रोवाइड कराते हैं जब तक हम एस को गेट पल्स प्रोवाइड नहीं कराएंगे तब तक हमारा एस क्या रहता है ऑफ रहता है तो सपोज हमने ये गेट पल्स दिया एस को इतनी देर के लिए तो ये हमारा क्या हो गया ऑन पीरियड उसके बाद ये ऑफ फिर से हमने गेट पल्स दिया इतनी देर के लिए फिर ये तो इतना देर के लिए हमारा एस क्या रहेगा ऑन रहेगा बाकी देर के लिए क्या रहेगा ऑफ रहेगा ये टोटल क्या है हमारा टाइम पीरियड है हमारा टी ओके तो अगर हम इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं आई नॉट की बात करें ओके नॉट की बात करें तो जब चॉपर हमारा क्या है ऑन है जब चॉपर ऑन है तो उस टाइम पे इंडक्टर क्या होगा हमारा चार्ज होगा तो हमारा क्या होगा करेंट फ्लो होगा पॉजिटिव ठीक है और जब हमारा क्या है ऑफ है तो इंडक्टर क्या होगा डिस्चार्ज होगा ओके okay. तो यहाँ पे चॉपर क्या है ऑन है तो ये चॉपर के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है फिर इंड क्या हो गया डिस्चार्ज जब हमारा चॉपर क्या है ऑफ तो जो करंट था वो किसके थ्रू फ्लो होना स्टार्ट हो गया था फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस बट पॉजिटिव ही था तो ये फ्री व्हीलिंग ये होगा हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस क्या है फिर चॉपर ऑन हो गया तो ये ऐसा जाएगा फिर ये और सा जाएगा ठीक है तो ये हो गया हमारा क्या आउटपुट करेंट वी नॉट की बात करें तो जब चॉपर हमारा क्या था ऑन था जब चॉपर ऑन था तो वी नॉट हमें मिल रहा था कुछ और जब चॉपर ऑफ था तो क्या मिल रहा था जीरो तो ये कुछ हमारा इस तरीके से होगा ओके okay. ये ऑन है और ये टी है तो ये हमारी कुछ इसकी वेवफॉर्म हुई क्लास ए चॉपर की ओके okay. तो अब हम लास्ट में कंक्लूजन देख लेते हैं और एप्लीकेशन देख लेते हैं क्लास ए चौपर की क्लास ए चौपर हमारा क्या कहता है कहां ऑफ क्लास ए चॉपर तो हम क्या बोलेंगे क्लास ए चौपर इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट चौपर फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा क्लास ए चौपर इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन चौपर ओके क्लासे चौपर क्या है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन चौपर है ये आपने अभी देखा वैन चौपर इज ऑन क्या होता है वैन चौपर इज ऑन ठीक है जब चौपर ऑन होगा तो सप्लाई वोल्टेज वी इज कनेक्टेड कनेक्टेड अक्रॉस द लोड सप्लाई वोल्टेज V is connected across the load. ओके सप्लाई वोल्टेज V क्या होगी कनेक्टेड हो जाएगी across द लोड के इंडक्टर धीरे धीरे चार्ज होना हमारा स्टार्ट होगा तो अभी हमारा नॉट बराबर वी एस ही मिलेगा ठीक है जब चॉपर ऑन है ये इंडक्टर है ये हमारे यहां पे क्या है लोड है ये नॉट है तो ये पेलर में नॉट बराबर क्या होगा वी एफ ठीक है और जब चॉपर क्या होगा ऑफ होगा वेन चॉपर इज ऑफ ठीक है सप्लाई वोल्टेज इज सप्लाई वोल्टेज वी एफ इज डिसकनेक्टेड टू द लोड एंड नॉट बराबर जीरो ओके लोड वोल्टेज इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड लोड करेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव लोड वोल्टेज भी पॉजिटिव है और लोड करेंट भी जो है वो हमेशा पॉजिटिव है ठीक है पावर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम सोर्स टू लोड पावर हमेशा कैसे फ्लो हो रहा है सोर्स से लोड की तरफ ठीक है नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं इट इज जस्ट लाइक एज स्टेप डाउन चॉपर जस्ट लाइक क्या स्टेप डाउन चॉपर ही होता है ओके इट इज अस्टेप डाउन चॉपर और ये कहाँ पे यूज होता है हमारा इट इज़ यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ डी सी मोटर एप्लीकेशन क्या है हमारी क्लासे चॉपर की क्लासे चॉपर इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ डी सी मोटर क्लास ए चॉपर इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ डी सी मोटर ओके okay, तो ये था हमारा क्या क्लास ए चॉपर क्लास ए चॉपर जो है वो बेसिकली क्या होता है एक तरीके का स्टेप डाउन चॉपर है हमारा ठीक है आउटपुट वोल्टेज जो है वो लोड वोल्टेज के या तो सोर्स वोल्टेज के बराबर मिलेगा या उससे कम मिलेगा जो वोल्टेज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है करंट हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए ये हमारा फर्स्ट क्वार्टेंट में वर्क करता है हमारा ठीक है इसकी एप्लीकेशन क्या है ये स्पीड डी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है ओके okay, तो आज की क्लास के लिए इतना ही अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें थैंक यू